जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री एकेडमी जबलपुर में। वर्णमाला की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यंजन के बारे में। आपको बता दें, इसके पहले हमने स्वरों का अध्ययन किया हुआ है। स्वर के वर्गीकरण क्या है क्या नहीं, इस विषय में दोस्तों पूरा दो वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मुख्य तौर पर हम देखेंगे कि व्यंजन, व्यंजनों की यात्रा देखेंगे दोस्तों, कि मूलतः व्यंजन कितने हैं, व्यंजन किस किस प्रकार के हैं, साथ ही दोस्तों व्यंजनों के वर्गीकरण की भी चर्चा इसी वीडियो के माध्यम से की जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई वर्णमाला में टोटल जो वर्ण है वो हमने देखे हुए हैं कि 52 है, ठीक है। और इसके पहले हम समझ चुके हैं और इस बात की हमें पूरी जानकारी है कि व्यंजन जो है दोस्तों वो है 39 और स्वर जो है वो है 13, ठीक है। 39 व्यंजन है और 13 स्वर है। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि आखिर ये जो 39 व्यंजन है ये है कैसे कैसे, क्या क्या इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि मूल तौर पर जो व्यंजन है दोस्तों, जो मुख्य मूल व्यंजन है, उनकी संख्या 33 है। अब ये कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर है दोस्तों यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आप इसे नोट करते चले जाइएगा, धीरे धीरे ये चीज़ें भी समझ में सारी आ ही जानी है, ठीक है। स्पर्श 25, अंतः दोस्तों 4, ठीक है। ऊष्म व्यंजन है 4। अब बात ये आती है कि आखिर ये स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतःस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, इसका मतलब होता है ऐसे व्यंजन दोस्तों जब वे हवा जब निकल रही होती है, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवा है दोस्तों वो जीभ के या मुख के किसी ना किसी अवयव को स्पर्श करते हुए निकलती, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वे हैं दोस्तों जो आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे ये अंदर से निकलते हुए। अच्छा, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बता दें, परिभाषाओं से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक आध कोई परिभाषा से प्रश्न बनते हैं तो वो भी आपको बन ही जाएंगे कि भाई स्पर्श करते हुए निकल रहा है तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप जब उनका उच्चारण कर रहे हैं कि वो व्यंजन अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे या रा ला वा, ठीक है, तो यहां पर ये क्या होता है, ये होता है अंतःस्थ व्यंजन। और इसके बाद जब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म क्या है दोस्तों, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान ऐसा लगेगा जैसे ऊष्मा बाहर निकल रही है या गर्म वायु निकल रही है, जैसे सा शा शा हा, तो ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो यहां पर महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि भाई आपसे सीधा प्रश्न हो सकता है कि संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या है दोस्तों 25, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक के व्यंजन स्पर्श होते हैं। तो सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्वर, स्वर हो गए दोस्तों आ से लेके अह तक। अब शुरुआत होती है का से, तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि क ख ग घ इंगा च छ ज झ इया, तो एक्चुअल में ये जो है दोस्तों ये एक चार्ट के माध्यम से आपको इनके वर्ग बताए गए हैं कि का वर्ग में क्या क्या आता है, ठीक है। जो आपका पहला है दोस्तों यही वर्ग है, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पावर्ग, ठीक है। अब क ख ग घ इंग च वर्ग में क्या आएगा, च छ ज झ इया, टा वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, तावर्ग में ता थ द ध न, और पावर्ग में दोस्तों पा फ ब भ म। तो ये हमने देखा कि पांच वर्ग हैं। अब यही जो पांच वर्ग हैं दोस्तों, इनमें पांच 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 क्या हैं, आपके वर्ण हैं, हर एक ब्लॉक में पांच हैं, तो पचम 25, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की 25। यहां पर महत्वपूर्ण है, इसे ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। वर्गीय क्यों, क्योंकि भाई पांच वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वर्गीय व्यंजन भी यही कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आगे आपको बता दें अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, या र ल व, ये जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है, या र ल व। इसके बाद बात आती है ऊष्म व्यंजन की दोस्तों, तो ऊष्म कौन से हैं, स स श और ह, श श श और ह, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई 25 स्पर्श, 4 अंतःस्थ, 25 4 29 और 29 4 हो गए दोस्तों 33। तो ये जो 33 है यही मूल व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कीजिएगा, यही मूल व्यंजन है। कहाँ से लेके कहाँ तक दोस्तों, का से लेके हा तक की जो यात्रा है ये आपका क्या है, मुख्य तौर पर यही मूल व्यंजन है। कैसे, क ख ग घ ङ च छ झ झ ञ ट ठ ढ ढ त थ ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह, ठीक है। तो यही आपके क्या है दोस्तों, यहां पर यही आपके मूल व्यंजन हैं, मूल व्यंजनों की संख्या। अब आगे हम बात करते हैं इनके अलावा और क्या है, तो इनके अलावा दो और हैं दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ढ और ड, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि एक है जिसमें नीचे बिंदी नहीं है और एक है जिसमें बिंदी है, क्या होता है इनमें अंतर, ये हम आगे देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो महत्वपूर्ण है आप नोट कीजिए कि भाई उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, दो हैं ढ और ड, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके बाद, अब बात आती है संयुक्त की।
संयुक्त व्यंजनों की संख्या है दोस्तों चार, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, संयुक्त क्या होगा, ठीक है। तो संयुक्त का मतलब होता है कि जब दो मिल जाएं तो संयुक्त हो गए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं हमारा परिवार संयुक्त परिवार या एकल परिवार, तो जब परिवार मिले हुए हों तो क्या हो गया वहां पर संयुक्त। ये एक आसान एग्जाम्पल है। और यहां पर क्या होगा दोस्तों, जब दो वर्णों का मेल होकर के कोई तीसरा वर्ण बनेगा तो वो आपका संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए छ त्र ज्ञ और श्र, छ त्र ज्ञ और श्र, ये चार दोस्तों मिल करके बने हुए हैं, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। छ बनता है क और श से, त्र बनता है ता और रा से। तो इस तरीके से दोस्तों इनको हम समझेंगे, इन चारों के विषय में हम देखेंगे अभी आगे चल करके। फिलहाल आप नोट कर लीजिए कि भाई संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त है आपके चार, छ त्र ज्ञ और श। तो इस तरीके से आपका पूरा क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों 52 वर्णमाला के, इन 52 वर्णों का, ठीक है। आपके वर्णमाला के जो 52 वर्ण है 39 व्यंजन है, स्वर 13 है, ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कीजिए, महत्वपूर्ण है। एक अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो यहां पर आपको एक प्रश्न देखने मिलेगा कि मूल व्यंजन कहां से लेके कहां तक है। का से लेके ह तक, का से लेके ह तक मूल व्यंजन है। का से लेके ह मतलब 33। फिर से मैं रिपीट करूंगा, पूरे स्पर्श व्यंजन मूल व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों जो अंतःस्थ व्यंजन है और जो ऊष्म व्यंजन है, ये भी कौन है, मूल व्यंजन है। यानी कि 25 ये हो गए आपके, ठीक है, स्पर्श। और इसके बाद आपके चार आपके कौन से दोस्तों, अंतःस्थ, और चार हो गए स्पर्श। तो 25, 4, 29, 4, 33। अब प्रश्न कैसे क्रिएट होते हैं, देखिए प्रश्न आपका बनेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन मूल व्यंजन नहीं है, ठीक है, या कौन मूल व्यंजन है। अब आपको ये देखना होगा कि वहाँ ऑप्शन में आपके क्या हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आप उनको रख पाएंगे कि ये मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आप कुल मिलाकर लिख लीजिएगा कि का से लेके जो हा तक की यात्रा है, ये पूरे मूल व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पूरा चार्ट क्लियर होता है। इसके अलावा आपको बता दें, एक प्रश्न कुछ इस हिसाब से भी पूछा जा चुका है कि वर्णमाला में, ठीक है, वर्णमाला में, आप प्रश्न को समझिएगा, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों को हटाकर कुल कितने वर्ण हैं। यदि संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, यह आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर वर्णमाला को जैसे ही आप हटाएंगे, ठीक है, वर्णमाला की यदि हम बात करें, संयुक्त व्यंजन यदि आप हटाते हैं, वर्णमाला में दोस्तों कितने वर्ण हैं, तो 52। अब 52 में से संयुक्त हैं चार, आप हटा देंगे तो आंसर आपका 48, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब जब एक प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है कि वर्णमाला से संयुक्त व्यंजनों को यदि हटा दिया जाए तो इनकी संख्या कितनी बचेगी, तो 48। तो हो सकता है उत्क्षिप्त पूछ लिए जाए, हो सकता है ऊष्म हटा दिए जाए, हो सकता है कल के दिन अंतःस्थ हटा दिए जाए। तो कुल मिलाकर आपको ये करना है कि भाई अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ रखनी है और उसी के आधार पर, उसी के बेस पर आपको अपने सही उत्तर तक पहुंचना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि वर्णमाला के, ठीक है, वर्णमाला के अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजनों को यदि हटा दिया जाए तो कितनी संख्या होगी वर्णों की। तो यहां पर आपने जैसे ही 52 से दोस्तों 4 माइनस किया तो 48, और 48 से फिर से 4 माइनस किया तो 44, यानी कि अब आपके पास कितने हैं दोस्तों, यहां पर 44 वर्ण शेष बचेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट कीजिए और समझिए अपने हिसाब से, यहां से जितने एंगल, जितने दृष्टिकोण हो सके दोस्तों, उतने प्रश्न यहां से क्रिएट कीजिए। अगला एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको बता दें, ये तो बात थी वर्णमाला की। अब वर्णमाला के बाद एक प्रश्न और हो सकता है व्यंजन से, कि यदि व्यंजनों से हम क्या करें, व्यंजन से हम संयुक्त व्यंजनों को हटा दें तो कुल कितने व्यंजन बचेंगे। तो भाई अगर 39 में से आप चार हटा देंगे तो आपके पास 35 बचेंगे। यदि व्यंजनों से हम उच्छिप्त व्यंजनों को हटा दें तो कितने व्यंजन शेष रह जाएंगे। तो 39 में से दो आप हटा देंगे दोस्तों तो आपके पास कितने बचेंगे, 37। तो आप इस हिसाब से भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष वही निकल रहा है कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट में पकड़ होनी चाहिए। तो यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और अब हम आगे चर्चा करें दोस्तों व्यंजनों के वर्गीकरण की। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मूल व्यंजन 33 हैं और आपके स्वर जो है दोस्तों मूल कितने हैं, 11, जो कि पहले बताए गए हैं। यानी कि कुल कितने दोस्तों, मूलतः इस वर्णमाला में मूल तौर पर जो व्यंजन और स्वर हैं उनकी संख्या है दोस्तों कितनी, 44। 11 और 33, 44। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। एक इमेज भी सामने है आपके, व्यंजनों के वर्गीकरण को दोस्तों चार भागों में बांटा गया है मोटे तौर पर, जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम क्रम से यहां पर प्रत्यय के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, प्रारत्व के आधार पर, और दोस्तों यहाँ हम घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत करने जा रहे हैं। तो बात की शुरुआत यहाँ पर प्रत्यय के आधार पर वर्गीकरण से, ठीक है। व्यंजनों को दोस्तों यदि हम प्रत्यय के आधार पर वर्गीकृत करें तो अधोलिखित आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। और अधोलिखित आधार क्या है, तो ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं हमारे परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में। आपको यहाँ पर बता दें इनकी कुल संख्या है दोस्तों 8, ठीक है। पहले नंबर पर यहाँ पर है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, जैसा कि हमने अभी पहले ही समझा हुआ है कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। तो डायरेक्ट इनसे एक संख्या भी
पूछी जा सकती है प्रश्न के रूप में, और आपसे फिर ऑप्शन दे करके भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्शी है कौन स्पर्शी नहीं है। और एक प्रश्न तो हो सकता है कि भाई प्रश्न के आधार पर वर्गीकरण में आपके इनमें से ऑप्शन में कुछ ना कुछ हो सकता है, तो आप इसे नोट कीजिए, रिविजन कीजिए, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न ठीक ठाक सही जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चले समझ का लेवल बस अच्छा बनाए। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, तो इनकी संख्या दोस्तों कितनी, इनकी संख्या है 25, जैसा कि हमने अभी देखा हुआ है कि 25 संख्या है। और कौन कौन से हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि काका गागा इंगा चाचा जाजा इया टठ डढड़ा तथ दधना पफ बबमा। ठीक है, ये पांच वर्ग दोस्तों, पचम 25, इनकी संख्या कितनी हो गई 25। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कौन है, जो जब निकले तो कुछ ना कुछ स्पर्श जरूर हो। ठीक है, आपका जो वायु जब निकल रही हो दोस्तों, तो मुख के जीभ या अदर किसी एरिया पे वो जरूर स्पर्श करते हुए निकले, तो वो आपका स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और वर्गीय क्यों, क्योंकि इन्हें वर्ग में रखा गया है, पांच वर्ग के अंतर्गत पांच 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 वर्ण रखे हुए हैं, तो पचम 25। यहां पर उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा। आगे हम बात करते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, तो आपको यहां पर बता दें कि यह वैसा ही जैसा कि अभी हम देखते हुए चले आ रहे हैं दोस्तों, चार ऊष्म। अब ऊष्म कौन कौन से हैं, स स स और ह, यहां पर दोस्तों आपको लिख देते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ऊष्म श श श ह, ये कौन से हैं, ये है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म कौन से थे, ये हम पहले ही बता चुके हैं, हमें पता है कि भाई ऊष्म कौन है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, संघर्षी और ऊष्म की। संघर्षी क्यों, क्योंकि जब ये निकल रहे हैं तो संघर्ष कर रहे हैं, और ऊष्म इसलिए क्योंकि जब ये निकल रहे हैं दोस्तों श श श ह, तो लग रहा है जैसे ऊष्मा निकल रही हो, तो यहां आपका यह भी क्लियर होता है। फिर बात आती है स्पर्श संघर्षी की, तो स्पर्श संघर्षी जो है, जो प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है, इसका एक आधार है, और इसमें जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, च वर्ग इसमें रखा गया है। स्पर्श संघर्षी कैसे, देखें, च छ ज झ ञ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पर्श तो ये चूंकि पहले से है, तो स्पर्श तो हम लगा ही देंगे, स्पर्श है, स्पर्शी व्यंजन है ये, 25 व्यंजन जो है स्टार्टिंग के, वो कौन है दोस्तों, स्पर्शी हैं, तो स्पर्श तो ये है ही। अब बात ये आती है, संघर्षी शब्द क्यों इसमें जोड़ दिया गया है, जबकि संघर्षी कौन थे, संघर्षी तो ऊष्म थे, सा 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 वाले, तो उसका कारण ये है, क्योंकि जब ये निकल रहे होते हैं तो ये भी संघर्ष कर रहे होते हैं। कैसे, देखिए हम समझते हैं, कर्ण क ख ग घ इंग, क ख ग घ इंग, कोई संघर्ष नहीं, लेकिन जैसे हम चा छा बोलते हैं, च छ ज झ, च छ ज झ, जैसे हम स श श ह बोल रहे थे, जब हम इनको बोल रहे थे, तो जो ऊष्मा, जो संघर्ष इनके दौरान हो रहा है, वही ऊष्मा, वही संघर्ष यहां पर भी पाया गया चा वर्ग में, और यही एकमात्र प्रमुख कारण है कि चा वर्ग को संघर्षी भी कहा गया। तो स्पर्श के साथ संघर्षी, स्पर्श संघर्षी वर्ग किसे कहा गया है दोस्तों, तो चा वर्ग को कहा गया। अब आपके सामने एक प्रश्न, ठीक है, प्रश्न कुछ इस हिसाब से कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो आपके तीन ऑप्शन यहीं से हैं, च छ ज, और उसके बाद मान लीजिए ख रखा हुआ है, तो भाई ये नहीं है। अब प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, इनकी कोई संख्या नहीं होगी, इतने सारे क्वेश्चन यहां से क्रिएट किए जा सकते हैं, और ऑनलाइन माध्यम में तो निश्चित तौर पर हजारों की तादाद में, संख्या में दोस्तों यहां पर प्रश्न देखने मिल रहे हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट पर पकड़ बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है दोस्तों यहां पर अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक में हम देखते हैं कि भाई लिखा हुआ पंचमाक्षर, तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि अनुनासिक क्या है, और फिर हम ये समझे कि पंचमाक्षर क्या है। तो बात की शुरुआत यहाँ पर अनुनासिक के साथ, अनुनासिक को जब आप देखते हैं दोस्तों, तो अनुनासिक को ही आप नासिक के लिख सकते हैं, और ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले। अब बात आती है पंचमाक्षर की, कि आखिर पंचमाक्षर कौन है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर वर्ग को हमने क्या बोला, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और हर वर्ग में आप जाते हैं तो दोस्तों 1 2 3 4 और 5, पांचवा, तो ये जो पांचवा अक्षर है दोस्तों हर वर्ग का, यही पंचमाक्षर है। अब वर्ग कितने हैं, वर्गों की संख्या है 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और इनके लास्ट का जो है दोस्तों वह है पंचमाक्षर, जैसे इंगा, इया, अड़, न और मा, तो ये जो पंचमाक्षर हैं, ठीक है, तो इन्हें अनुनासिक में रखा गया है। ठीक है, और अनुनासिक क्या है दोस्तों, जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले। आप उच्चारण करके देखें, क ख ग घ इंगा, क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया, ठीक है, तो जब आप बोलते हैं तो वो हवा जाती है, ठीक है, मुंह के साथ में नाक से भी, तो आपने उसे कहां रखा, पंचमाक्षर में। तो ये क्लियर होता है आपका अनुनासिक और नासिक, दैट्स इट। फिर इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं पार्श्विक की दोस्तों, ठीक है, तो पार्श्विक किसे कहा गया है, ये महत्वपूर्ण है। पार्श्विक है दोस्तों ला, ला को पार्श्विक कहा जा रहा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर बता दें, नीचे आप देखेंगे इसमें एक हलंत लगाया गया है, ठीक है, तो यहां महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही समझा हुआ, अपनी पहली वीडियो में ही हमने आपको बता दिया था कि व्यंजन कौन है, तो दोस्तों व्यंजन वे हैं जो स्वरों से बंधे हुए हैं, ठीक है, और स्वर कौन है, स्वर स्वतंत्र है, ठीक है, स्वर स्वतंत्र है का मतलब यह है कि जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं वे स्वर हैं, और जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वे व्यंजन है, लेकिन अगर स्वर नहीं है तो वह मूल व्यंजन है,
ठीक है, मतलब आप देखेंगे जहां पर हलंत लगा हुआ है वही शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, मूल तो नहीं लेकिन शुद्ध शुद्ध आप कह सकते हैं, वह शुद्ध व्यंजन है दोस्तों। शुद्ध रूप से व्यंजन यही है, लेकिन हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। कैसे उच्चारण करें? अब आप लड़ाई मत करिएगा, लड़ाई किससे? ना पुस्तक से, ना शिक्षक से, और ना ही अपने आप से। यहां पर तो हमें बस आगे निकलना है पढ़ करके। ठीक है, तो ला में दोस्तों जब हलंत लगा है तो शुद्ध व्यंजन यही है, लेकिन हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते बिना स्वर की सहायता से। तो यहां पर अदृश्य मात्रा वाला स्वर यानी कि छोटा अ जब ऐड हो जाएगा दोस्तों तो ये बन जाएगा ला, और फिर हम उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो आपको यहां पर बता दें कि जो पार्श्विक वर्ण है ये ला है। ठीक है, ला को पार्श्विक वर्ण कहा गया। अब क्यों कहा गया है तो आप इसका उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे ही आप ला बोलते हैं दोस्तों, ला पार्श्विक की परिभाषा क्या हुई? ला मतलब एक ऐसी स्थिति जब जिह ऊपर की ओर जाए। ठीक है, ला ऊपर की ओर जाए और हवा दोनों ओर से निकल जाए, दोनों पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है किनारे, सतह, दोनों से निकल जाए, दोनों ओर से हवा एकदम से, तो वह होता है दोस्तों पार्श्विक। तो यहां पर पार्श्विक है आपका, क्लियर हो रहा है। अगला दोस्तों द्विगुण है। ठीक है, द्विगुण, द्विगुण क्या है तो आपको यहां पर बता दें दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन ही द्विगुण है। उच्छिप्त का मतलब ये दोस्तों, आपके जब डढ़ आप बोले और नीचे क्या हो, बिंदी हो, तो वो आपके उच्छिप्त हैं, वही द्विगुण हैं और वही ताड़न जात हैं। ठीक है, इन्हें ताड़न जात भी कहा जा रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है ताड़न जात वर्णों की संख्या तो दो है, कौन से? ड, ढ। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, जब आप इसे बोलते हैं तो जीहा या जीभ आपके ऊपर जाती है और झटके से नीचे आती है, जैसे डढ़। ठीक है, टठ डढ़, तो एकदम से झटके से नीचे आती है, तो वही आपका क्या है दोस्तों, द्विगुण, उच्छिप्त और ताड़न जात। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रकंपित और लुंठित। प्रकंपित और लुंठित कौन है दोस्तों? रा। रा जब आप बोलते हैं दोस्तों तो जीभ एकदम लुढ़क रही होती है। ठीक है, आपका जीभ जो है लुढ़कती हुई, ठीक है, रा लुढ़कती हुई आपको यहां पर आभास होगा दोस्तों, तो इसे हम क्या कह रहे हैं यहां पर? लुंठित। और इसके बाद बात आती अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहा गया? तो इन्हें कहा गया दोस्तों या पूर्वा को। अब यहां पर आपको बता दें अंतःस्थ व्यंजन जो है दोस्तों, इसकी परिभाषा थी दोस्तों अंतःस्थ की, आपका जो स्वर और विसर्ग के मध्य हो, जबकि आयोग वह का क्या है? ना स्वर और ना व्यंजन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, अंतःस्थ व्यंजन कौन है? जो स्वर और व्यंजन के मध्य के हैं, बीच के हैं। और जबकि आयोग वह कौन है? ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है, वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो अर्ध स्वर है दोस्तों, ये किसे कहा गया? तो मुख्य तौर पर या और वा को कहा गया। या और वा को यहां पर क्या कहा गया है? अर्ध स्वर कहा गया। तो आपका यहां पर क्लियर होता है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं अब बहुत महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर। और आपका ये पूरा चार्ट लगभग क्लियर है, अब उच्चारण स्थान भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसके पहले हमने बताया हुआ है भाई कि कंठ क्या है, ठीक है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है। आप जब उच्चारण करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको वहां पर आभास होगा कि कौन कंठ है। ठीक है, जीभ आपकी यहां पर बताएगी। तो आप देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर अधोलिखित भागों में इसे डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। और कंठ, ठीक है, सबसे पहले कंठ, तो आप देखेंगे क ख ग घ इंग, तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? कावर्ग कंठ से। ठीक है, कावर्ग का स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से ध्वनि आपकी जा रही। ठीक है, क ख ग घ इंग। तालु दोस्तों चावर्ग, चावर्ग आपका जो है, ठीक है, यहाँ आप नोट कीजिएगा कावर्ग और ये चा वर्ग। ठीक है, चा वर्ग दोस्तों तालु, तालु कौन है तो आप बोल कर देखें, च छ ज झ। जीभ दोस्तों आपकी ऊपर की छत में, जब दांत के पीछे ऊपर की छत में जाके टकराए तो वो आपका कौन सा वर्ग हो गया? वहां से तालु, वो तालु है। और चा वर्ग तालु से उच्चारित होता है। ठीक है, च छ ज झ। फिर इसके बाद दोस्तों मूर्धा कौन है? तो वही जहां पर आप तालु में थे, तालु से और पीछे का भाग, यानी कि हमारे उस जीभ की छत का पीछे पिछला भाग। ठीक है, कंठ के आगे का भाग। ठीक, तो आप बोल कर देखें मूर्धा वाली जगह ट ठ, जीभ क्रीम रोल की तरह पीछे जाती है और ऊपर जाकर टकराती है, तो ट ठ ड ढ ढ, ये आपका हो गया मूर्धा। बात आती है दंत की दोस्तों, तो तावर्ग। ठीक है, कौन सा वर्ग? तावर्ग दंत वर्ग है। ठीक है, दंतव्य वर्ग है। अब कैसे? दांत से इसका उच्चारण होगा, त थ द ध, जीभ आपकी जाके दोस्तों दांत में टकराएगी। आप बोल के देखें ता थ द ध न, तो आपकी जो जीभ है दोस्तों वो कहाँ टकरा रही? दांत से। तो ये हो गया इसका स्थान, उच्चारण स्थान दंत। ठीक है, और फिर बात आती है ओष्ठ। ओष्ट दोस्तों ओठ। ठीक है, आप बोल कर देखें प फ ब भ म, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया यहाँ पर ओष्ठ। तो उम्मीद है आपका ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और इसके बाद बात आती है ऊष्म और अंतःस्थ व्यंजनों की, तो इसके स्थान को दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, आगे अभी हम देखते हैं दोस्तों एक और वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर। तो यहां पर दोस्तों घोषत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। अब अघोष क्या है, सघोष क्या है, तो आपको यहां पर बता दे दोस्तों, घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। जब आप बोलते हैं तो उच्चारण के दौरान जब वायु निकलती है तो वो स्वर तंत्री जो होती है दोस्तों हमारी, उनमें कंपन हो रहा होता है। ठीक है, जैसे तो यहां पर आप बोल करके देखें जितने स्वर हैं दोस्तों, ये हमने पहले ही बताया हुआ है, स्वर सारे सघोष हैं। तो आप बोल कर देखें अ अ इ ई उ उ, ठीक है, या एक और महत्वपूर्ण जो बात है उसे आप समझिएगा, तो सघोष
जब आपकी क्या हो रही है दोस्तों, वायु निकल रही है तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, और अघोष क्या है, जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं। तो जो भी आपके वर्ग दिए हुए हैं दोस्तों, इन वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, ठीक है, आप यहां देख रहे हैं ऐसे ही बांटा गया है, एक ब्लैक कलर की बीच में लाइन है, तो ये आपका पहला और दूसरा जो वर्ग का दोस्तों वर्ण है, ये आपके कौन होते हैं, अघोष, और तीसरे चौथे पांचवे होते हैं सघोष। ठीक है, अघोष में क्या होगा, अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, और जबकि सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन दोस्तों होगा। बोल करके यहां पर देखते हैं, क ख ग घ इंग, ठीक है, क ख ग घ इंग, ऑटोमेटिक एक झंकार टाइप की होगी, जब आप उसे बोलेंगे तो ऐसा आभास होगा कि हाँ कंपन हो रहा है। क ख ग घ इंग, च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ ड, त थ द ध न, ठीक है, प फ ब भ म, तो एक कंपन टाइप का होता है। तो लास्ट के जो तीन है आपके, ठीक है, वो सघोष है, और शुरू के जो दो है दोस्तों वो कौन है, अघोष है। तो यहाँ आपका क्लियर होता है अघोष सघोष। और अब आगे बात की जाए कि ऊष्म और अंतःस्थ में कैसी स्थिति है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, ये ऐसा क्लासिफाइड ही किया गया दोस्तों, ठीक है, जो सा 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 है, ये ट्रिपल जो आपके तीनों सा है दोस्तों, चाहे वह शक्कर वाला हो, सेटी वाला हो, या सरौते वाला हो, ये तीनों आपके दोस्तों जो सा हैं, ये तीनों के तीनों आपके अघोष हैं, और बाकी जो आपका है हाथ से लेकर के यारा लावा दोस्तों सब कुछ, मतलब आपके अंतःस्थ भी और हा भी, ये सभी आपके कौन है दोस्तों, सघोष हैं। कैसे, आप बोल कर देखें, ह शा शा शा, हा हा बोलने पे दोस्तों कहाँ पर जाएगा, वो सघोष में, या रा ला वा ये भी कहाँ पर है, सघोष में। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई अब आपका अघोष क्या है और सघोष क्या है, सघोष क्या है, जहाँ पर स्वतंत्रियों में कंपन होते हैं। कुछ नहीं है तो आप इसे याद भी रख सकते हैं कि शुरू के दो जो हैं वो अघोष हैं, और तीसरे चौथे पांचवें दोस्तों लास्ट के तीन कौन है, सघोष हैं। अब बात आती है इनकी संख्या की, संख्या यहाँ पर आप बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल कितने अघोष हैं, कुल कितने सघोष हैं। तो अघोषों की संख्या दोस्तों 13 है। 13 कौन कौन से हैं, तो भाई दो ये हो गए, ठीक है, दो का आप पूरा ले लीजिए, 5 पादुनी 10, यानी कि एक ये 5 और एक ये 5, ठीक है, तो क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये पूरे जो आपके 10 हैं दोस्तों, ये कौन है, अघोष, और 10 के बाद तीन और कौन है, सा सा सा, तो 10 और 3 13, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके तीन बच रहे हैं वहां पे, तो 5 नहीं आई, 15 वो हो गए, और 15 के बाद दोस्तों 5 ये हैं आपके, ठीक है, 4 आपके अंतःस्थ और एक आपका कौन सा है, ऊष्म वाला, हाँ। तो यहाँ आपके हो गए दोस्तों टोटल कितने, 15 और 5 20, और इसके बाद 20 के बाद दोस्तों आपके 11 जो हैं ये कौन है, स्वर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सघोष की संख्या कितनी है, तो सघोष की संख्या है 31। तो ये आपका क्लियर होता है अघोष और सघोष। यहाँ पर आप यदि नहीं भी समझ में आ रहा आपको, तो आप एक बार वीडियो को पीछे जाकर और 2 मिनट आप समय दीजिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व की जो परिभाषा है दोस्तों वो आपको बता दें, प्राणत्व का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारी जो वायु निकलती है दोस्तों, प्राण वायु, ठीक है, जो हमारी जो हवा निकल रही होती है दोस्तों जब हम उच्चारण करते हैं, तो वो जो वायु है वो कितना समय ले रही है, उसके समय के आधार पर यहाँ पर प्राणत्व के आधार पर बांटा गया है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प समय या ज्यादा समय, ठीक है। अब अल्प प्राण क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और महाप्राण क्या है दोस्तों, जब उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगे, ठीक है। कम ज्यादा का तात्पर्य है वायु का कम निकलना और वायु का ज्यादा निकलना। अब हम इसे समझते हैं, तो देखिए आप बात को समझिएगा, अल्प कौन है दोस्तों, तो यहां पर नोट डाउन है पहले से ही यहां पर लिखा हुआ, और आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। अल्प प्राण दोस्तों पहला, ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा, और फिर उसके बाद पांचवा, ठीक है। मतलब आप अल्प प्राण कौन कौन से दोस्तों, तो फर्स्ट, ठीक है, थर्ड और फिर फिफ्थ, ठीक है, ये आपके जो है ये अल्प प्राण में आते हैं, पहला वाला ब्लॉक, तीसरा वाला ब्लॉक और पांचवा वाला ब्लॉक। अल्प, अल्प का मतलब है कम समय लगेगा, हम बोल के देखते हैं, क, ठीक है, अच्छा, दूसरा और चौथा कौन होंगे दोस्तों, तो स्पष्ट लिखा हुआ है, दूसरा और चौथा है आपके महाप्राण, ठीक है, महाप्राण दूसरा और चौथा, सेकेंड और फोर्थ। तो ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं कि जो आपके ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, या आप बोल कर देख लें, कैसे, क ख ग घ इंग, जैसे आपने बोला क तो कम समय लिया, ख थोड़ा ज्यादा समय, ग कम समय, घ थोड़ा ज्यादा समय, फिर इंगा, फिर कम समय, तो क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इंगा, ट ठ ड ढ, तो आप देख रहे हैं कि भाई जो पहला वाला है वो कम समय ले रहा है, दूसरा वाला ज्यादा समय ले रहा है, तीसरा वाला कम समय ले रहा है, चौथा वाला ज्यादा समय ले रहा है, पांचवा वाला कम समय ले रहा है, तो इस तरीके से जो जो कम समय ले रहे हैं वो अल्प प्राण है, ठीक है। तो कितने कम समय ले रहे हैं दोस्तों, 3 यहां पर कम समय ले रहे हैं, पहला आपका, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, फिर इसके बाद ये थर्ड और इसके बाद ये फिफ्थ, तो आपने देखा 3, 5, 15 तो यहीं पर हो गए, अल्प प्राणों की संख्या दोस्तों कितनी, 15 तो यहीं पर हो चुकी है। फिर इसके बाद जितने ये आपके अंतःस्थ हैं दोस्तों, ये भी कौन है, ये भी अल्प प्राण है, कौन दोस्तों, अंतःस्थ, यानी कि या रा लावा, कौन है ये, अल्प प्राण है। तो 15 और 4 कितने हो चुके हैं, अल्प प्राणों की संख्या दोस्तों 19 हो गई, ठीक है, 15 आपके यहां मिल गए, ठीक है, 3 पहला, तीसरा और पांचवा, तो 3, 5, 15, 15 के बाद 4 दोस्तों, ये तो 19, और इसके बाद जितने स्वर होते हैं ये भी अल्प प्राण होते हैं, जैसे अ अ ई ई उ
जब आप बोलते हैं तो कम समय लेते हैं, ये नहीं कहते आ आ, ऐसे नहीं करते हैं, आप कम समय लेते हैं, तो 11 आपके ये स्वर भी यहाँ पर आ गए। तो 19 और 11 दोस्तों यानी कि अल्प प्राणों की कुल संख्या कितनी निकल करके आ गई, तो ये निकल करके आ गई 30। और अब जितना बचा है ये पूरा महाप्राण है, कौन कौन बचा है भाई, तो सेकेंड बचा है और फोर्थ बचा है, तो आपकी दो लाइनें, ठीक है, तो दो पंचे 10, और इसके बाद ऊष्म, ऊष्म कितने हैं, 4, स स स और ह, तो 10 और 4 14, महाप्राणों की संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 14। तो उम्मीद है दोस्तों आपका ये वर्गीकरण क्लियर हो रहा होगा, व्यंजनों का वर्गीकरण, और इसके पहले हमने स्वरों का तो पढ़ ही रखा है, तो आप पिछली वीडियो में जाकर उसे भी पूरा कवर कर सकते हैं। हम एक नजर दोस्तों हमने जितना आज पढ़ा हुआ हम उसे देखते हैं सरसरी तौर पर। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि वर्णमाला में दोस्तों संख्या कितनी, 52, ठीक है, 52 में व्यंजनों की संख्या 39, स्वरों की संख्या 13, मूल व्यंजन कितने 33, मूल स्वर दोस्तों कितने तो 11, 33 और 11 अपन के 44, ठीक है, यानी कि वर्णमाला में जब मूल का शब्द आ जाए तो उनकी संख्या है 44, स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ 4, ऊष्म 4, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। उच्चिप्त दोस्तों द्विगुण, ये भी हमने देख लिया, ड और ढ 2, संयुक्त 4, ये भी हमारा क्लियर है, संयुक्त कौन कौन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है, छ त्र ज्ञ श्र, ये सभी चीजों को हम डिटेल से देखेंगे दोस्तों अपने अगले पार्ट में। मूल व्यंजन यहां पर आपका क्लियर हो रहा है कि का से लेके हा तक है, इसका अध्ययन हमने किया। इसके बाद हमने देखा था वर्गीकरण किसका दोस्तों, व्यंजनों का, तो व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने 4 तरीके से देखा, पहला प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और प्रारत्व के आधार पर। तो ये आपका प्रयत्न का चार्ट क्लियर था, हमने इसे देखा हुआ है, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। स्पर्शी है, ठीक है, संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी, अनुनासिक है, पार्श्विक, पार्श्विक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ला, ठीक है, जीभ के अगल बगल से हवा निकलेगी। फिर उसके बाद द्विगुण, द्विगुण में दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ताड़न जात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीज वही है आपसे बन रही होगी लेकिन जब ऐसे पूछी जाएगी तो हो सकता है आप वहां पर घबरा जाएं या सही उत्तर का चयन ना कर पाए, तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे चलकर दोस्तों प्रकंपित और लुंठित, लुंठित इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ रा, अर्ध स्वर की बात करें तो या और वा, और इसके बाद घोषत्व और प्रारत्व दोस्तों हमने इस चार्ट के माध्यम से समझा हुआ है, जिसमें हमारा क्लियर है कि पहले तीसरे और पांचवें कौन होंगे आपके यहाँ पर अल्प प्राण, दूसरा चौथा दोस्तों यहाँ पर महाप्राण होगा, और इसके बाद पहला दूसरा अघोष होगा और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होगा। ये सारी चीजें आपकी क्लियर है दोस्तों, केवल और केवल यहां पर हमारा जो क्लियर नहीं था वो ये कि ऊष्म और अंतःस्थ व्यंजनों के उच्चारण के स्थान, बाकी आपका ये उच्चारण स्थान भी यहां पर क्लियर है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टा टा का उच्चारण स्थान कहां से दोस्तों, तो टा का उच्चारण स्थान है मूर्धा से, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाए जा का उच्चारण स्थान कहां से है, तो दोस्तों जा का उच्चारण स्थान है तालु से, ठीक है। आप उच्चारण करके देख रहे थे कि जा का का कहां से, तो कंठ से, क ख ग कंठ से, च छ ज झ तालु से। फिर इसके बाद दोस्तों उनका टा ठ ड ढ जो है ये मूर्धा से है, ठीक है। इसके बाद त थ द ध दोस्तों ये कहां से, तो ये है दंत से, और अंत में पाफा बाबा दोस्तों ओष्ठ से। तो उम्मीद है आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।